नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र का जो एक महत्वपूर्ण आदेश आया है, उस आदेश के बारे में हम आपको बताएंगे। यह आदेश FLN अंतर्गत प्राथमिक शाला शिक्षकों के लिए है और यह आदेश भोपाल से दिनांक 2/5/2022 को जारी हुआ है। इस आदेश में क्या कहा गया है, देखते हैं उसके बारे में हम क्या बताया। ये जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिया गया है और जो इसका क्रमांक है 2022/2029 भोपाल दिनांक 2/5/2022 प्रति प्राचार्य डाइट समस्त जिले, जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले, इनको यह आदेश लिखा गया है। इस आदेश के तहत विषय में क्या बताया गया, देखिए विषय में ये कहा है FLN अंतर्गत प्राथमिक शाला शिक्षकों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने विषयक। जो FLN प्रशिक्षण है किसे करना है, प्राथमिक शाला शिक्षकों को करना है और किन शिक्षकों को करना है, इस आदेश के तहत हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, विषय अंतर्गत लेख है कि FLN हेतु प्रत्येक ब्लॉक से मास्टर ट्रेनर को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण चरणवार भोपाल में प्रदान किया जा रहा है। इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपने अपने ब्लॉक में स्थित समस्त शालाओं में कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। इस आदेश के तहत ये बताया गया है कि FLN हेतु प्रत्येक ब्लॉक से मास्टर ट्रेनर्स को राज्य स्तर यानी कि राज्य स्तरीय भोपाल में प्रशिक्षण चरणवार चल रहे हैं या उन्हें चरणवार भोपाल में जो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन मास्टर ट्रेनर द्वारा अपने अपने ब्लॉक में स्थित समस्त शालाओं में कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किए गए। नंबर एक निर्देश क्या दिया, देखिए इसमें नंबर एक में दिया हुआ है प्रत्येक शाला से कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कराने वाले एक शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। यदि किसी शाला में एक से अधिक शिक्षक कक्षा 1 एवं 2 हेतु उपलब्ध हों तो उनमें से एक शिक्षक को FLN हेतु नामांकित कर प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए यह FLN जो प्रशिक्षण होने वाला है, यह प्रशिक्षण किसे करना है, तो इस प्रशिक्षण को कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कार्य कराने वाले जो शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान करना है। यदि उस शाला में कक्षा 1 और 2 को जो अधिक शिक्षक है, 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षक अधिक है, तो उनमें से एक ही शिक्षक को FLN हेतु नामांकित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नंबर दो क्या कह रहा है, जिन शालाओं में एक भी नियमित शिक्षक प्राथमिक सेक्शन में पदस्थ ना हो वहाँ अतिथि शिक्षक को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए। तीसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में ये बोला, यदि किसी शाला में प्राथमिक सेक्शन में कोई भी शिक्षक पदस्थ नहीं है तो वहाँ पर जो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रशिक्षण स्थल सामान्य ब्लॉक मुख्यालय में रखा जाएगा। जो प्रशिक्षण होगा कहाँ पर होगा, ब्लॉक मुख्यालय में रखा जाएगा। स्थल पर चयन प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर BRCC द्वारा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक मुख्यालय के इधर भी अन्य स्थान पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकेगा। जैसे यदि ब्लॉक का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार अधिक है तो एक बेच ब्लॉक मुख्यालय में एवं अन्य बेच किसी उपयुक्त जन शिक्षा केंद्र में तथा रखा जा सकता है जहां अधिकतम प्राथमिक शिक्षकों का पहुंच पाना सुगम हो। चौथा पॉइंट देखिए, प्रशिक्षण की अवधि 5 दिवस होगी। जो ये FLN प्रशिक्षण होगा इसकी अवधि कितने दिवस होगी, 5 दिवस होगी। एक समय में एक साथ 2 बेच में प्रशिक्षण का आयोजन होगा। APC अकादमिक एवं डाइट फैकल्टी अपने जिले के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 1 दिन भौतिक रूप से प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे एवं सुधार हेतु आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे। पांचवा पॉइंट देखिए, एक साथ 2 बेच में प्रशिक्षण आयोजन हेतु प्रत्येक ब्लॉक में 4 मास्टर ट्रेनर को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। अपवाद स्वरूप परिस्थिति में यदि इनमें से कोई मास्टर ट्रेनर किसी बेच के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसके एवरेज में अन्य मास्टर ट्रेनर को तैयार करने
की संयुक्त जिम्मेदारी भी एपीसी अकादमी एवं डाइस फैकल्टी की होगी। प्रयास करें कि ऐसी परिस्थितियां हेतु समय रहते हुए अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर पूर्व से तैयार रखें। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 दिया है, एक बैच में समानांतर 35 से 45 शिक्षकों को रखा जाएगा। 45 से अधिक शिक्षक संख्या होने पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि ब्लॉक में कुल शिक्षकों की संख्या अधिक ना हो तो 40 से कम के बैच बनाए जाए। अगला पॉइंट देखिए, 7वां नंबर पॉइंट है, प्रशिक्षण की तिथियां BRCC द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्धारित की जा सकेंगी। समय सारणी तैयार करते समय केवल इस बात का ध्यान रखा जाए कि अंतिम बैच का प्रशिक्षण 10 जून 2022 तक संपन्न हो जाए। जो प्रशिक्षण की डेट है उसे निर्धारित करना किसे करना है, BRCC द्वारा अपने आधार पर निर्धारित समय सारणी तैयार करेंगे, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रशिक्षण है वह 10 जून 2022 के पहले संपन्न हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रशिक्षण स्थल पर LCD प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, पेयजल, शौचालय, कुर्सी, गद्दे इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं BRCC द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही प्रशिक्षण हेतु आवश्यक TLM सामग्री भी BRCC द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों के मान से मास्टर ट्रेनर को उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु TLM एवं सामग्री की सॉफ्ट कॉपी एवं सूची जिलों को ईमेल से प्रेषित की जा रही है। प्रत्येक बैच में प्रति दिवस उपस्थित रिपोर्ट जो प्रचार डाइट द्वारा एक जारी कर राज्य शिक्षा केंद्र का जो यहाँ पे लिंक दी है, इस लिंक के माध्यम से प्रतिलिपि भेजी जाएगी। अगला पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, प्रशिक्षण हेतु व्यवस्थाओं एवं सामग्री के लिए आवश्यक बजट जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण पृथक से प्रेषित किया जाएगा। प्रशिक्षण संबंधी किसी भी अकादमी स्वरूप की परीक्षा के लिए लोकेश खरे मोबाइल नंबर जो दिया है इससे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो साथियों हमें FLN प्रशिक्षण करना है, किसे करना है और कब होगा, इस आदेश के माध्यम से आपको बताया गया। तो जो प्रशिक्षण की डेट है वो BRCC द्वारा निर्धारित की जाएगी, लेकिन वो 10 जून के पहले आपके पूरे प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है साथियों।